ड्राइंग में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर पाँच है, दी हुई रेखा ए बी पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब गिराओ, जबकि बिंदु सी रेखा के बाहर लगभग मध्य में दिया है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था लंब उठाना, कि लंब कैसे उठाया जाता है, उसमें 90 डिग्री के कोण बनाए थे हमने, और यहाँ भी है लंब हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, तो यहाँ हम गिराना सीखेंगे। तो सबसे पहले दी हुई है ए बी रेखा और बिंदु सी, तो हम पहले दी हुई ए बी रेखा लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फुट्टे से ये ए बी रेखा ले रहा हूँ, देखिए ये है ए, ये है बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे एक बिंदु लेंगे, ये हमने बिंदु ले लिया सी, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सी बिंदु पर प्रकार करके चाप लगाएंगे, नीचे को लंब गिराने के लिए हमें चाप लगानी पड़ेगी, ऐसे हम चाप लगाएंगे, और जहाँ पे ये चाप ए बी रेखा पे लग रही है यहाँ हम नाम दे देंगे ई, यहाँ हमने नाम दे दिया एफ, ये एफ पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, उतनी प्रकार जितनी हमने पहले चाप लगाई थी उतनी प्रकार खोल के हम एफ पर प्रकार रखेंगे और नीचे को एफ से चाप लगाएंगे, ऐसे डॉटेड हम चाप लगाएंगे, और फिर हम ई पर प्रकार करके, ई पर हमने प्रकार रखी है, और हम जो है वो दूसरी चाप लगाएंगे ऐसे, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये देखिए मैं ई पर प्रकार रख रहा हूँ और दूसरी चाप में लगा रहा हूँ, ठीक है ये लगाएंगे। अब इस चाप का हम नाम दे देंगे डी, इसका नाम हमने डी दिया। इस चाप को हम सी से मिला देंगे, ये जो बिंदु हमारे पास डी आया है, इस डी और सी बिंदु को हम आपस में मिलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सी से ए बी रेखा तक जो लाइन आएगी वो डार्क आएगी, उससे नीचे हमारी सहायक रेखा है वो हम डॉटेड लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ओ, जहाँ पर ये लंब गिरा है। तो ये है प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट। हमारा 6 प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दी हुई ए बी रेखा पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब खींचो, जबकि बिंदु सिरे पर बाहर दिया है। देखो प्रश्न में दी हुई ए बी रेखा है और बिंदु जो है वो सिरे से बाहर दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनेगा। हम सबसे पहले ए बी रेखा लेंगे, ये हमने ए बी रेखा ले ली है, ये है ए और ये है बी, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम ए है, और ए बी रेखा के बाहर बिंदु और सिरे पे, ये कह रहा है कि सिरे पे है, तो लगभग हम यहाँ पे सिरे पे यहाँ ले लेते हैं, ये हमने बिंदु ले लिया, इसका नाम हम दे देंगे सी। अब हमने इस सी बिंदु से लंब गिराना है, तो हम कैसे इस लंब को खींचेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर हम प्रकार रखेंगे और सी जो ये पॉइंट हमने लिया है यहाँ हम इतनी प्रकार खोलेंगे और हम चाप लगा देंगे डॉटेड। ध्यान रखना है चाप हमेशा डॉटेड ही लगानी है, हमने बिल्कुल भी डैश नहीं लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर हम प्रकार रखेंगे, ठीक है, और सी जितनी हम प्रकार खोलेंगे जितना हमारा सी पॉइंट जहाँ है, ये देखिए ये हमारा सी पॉइंट है, ये मैंने इतनी प्रकार खोल दी, यहाँ से भी मैं चाप लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए ये हमारी दूसरी चाप लग गई है,
आप देख सकते हैं इस तरह से दूसरी चाप लगेगी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो पॉइंट का नाम हमने दे दिया था सी, नीचे हम नाम दे देंगे डी। इस पॉइंट का नाम डी दिया है, अब हम सी और डी दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा सी और डी रेखा है, इसको हम डॉटेड डी तक मिला देंगे। ऐसी हमारी रेखा मिल जाएगी। ये आपका छठा प्रश्न है और ये हमारा इस तरह से छठा प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी रेखा पर बाहर दिए बिंदु सी से लंब खींचो, जबकि बिंदु सी रेखा ए बी की सीमा से दूर दिया हुआ है। हमने चार कोण किए थे, ये लंब वाले, जिसमें पहले सबसे पहले हमने ए बी रेखा के बीच से लंब उठाया था, फिर हमने ए बी रेखा के बी सिरे से लंब उठाया था, तीसरा हमने ए बी रेखा के मध्य दिए बिंदु सी से लंब गिराया था, चौथा हमने किया था कि ए बी रेखा के जो है वो सिरे पर है, लंब गिराना था हमने सी से। जो आपका अगला है, ये देखिए आप, ए बी रेखा हमने ले ली है, इसके बाहर हमने बिंदु सी भी ले लिया है। अब हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और सी जितनी प्रकार खोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ खोल रखी है, और हम ये चाप लगा देंगे। ये चाप जो लगी हुई है ये हम सी पर से बी पर प्रकार करके सी जितनी प्रकार खोल कर लगाएंगे। जो दूसरी चाप हमने लगा रखी है वो हमने लगाई हुई है ए पर प्रकार करके, ए पर प्रकार रखी और आपने सी पॉइंट जो आपने रेखा से बाहर दिया लिया है वहाँ तक हम इसको खोलेंगे और ये हम चाप लगा। ये देखिए ये चाप हमारी ए पर प्रकार करके सी जिनी प्रकार खोल के लगी है। अब जब हम जहाँ पे ये दोनों चाप कट रही, पॉइंट आ गया डी, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस रेखा के साथ जरूर मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से आगे ए बी रेखा से आगे जो रेखा है वो हम डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से हम सहायक रेखा हमारी है, हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा रहे हैं, ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी है। और हम क्या करेंगे, अब हम सी और डी इसको मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो सी से ए बी रेखा तक, यहाँ तक इसको हम डार्क लगाएंगे, उससे नीचे हम इसको डॉटेड लाइन लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे। इस रेखा को आप बाहर को भी दोनों साइड ला सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बाहर ले आता हूँ और यहाँ पे भी इसको थोड़ा मैं बाहर को ले जाता हूँ, तो ये गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इसको बाहर को भी ला सकते हैं। तो ये आपका सातवां प्रश्न बन के तैयार है।